ये डिफरेंट लेसन है, लेसन नंबर 4, उसका पार्ट पढ़ रहे हम ए, इत्तबाक, जिसका लिटरली मींस है एडहेशन, यानी इसका मतलब क्या है कि मींस एडहेशन ऑफ द टंग टू द रूफ ऑफ द माउथ व्हाइल प्रोनाउंसिंग अ लेटर, द फॉलोइंग लेटर्स कंटेन दिस क्वालिटी, सॉ, इनको फुल पढ़ना होता है, बहुत हैवी पढ़ना होता है, बहुत मोटा पढ़ना होता है। लोग भी मानी क्या है, ढांपना या मिल जाना, कवर करना या फिर मिल जाना। लफ्जी माना क्या है, तह बतह हो जाना, एक तह के ऊपर दूसरी तह लगना, यानी जुबान का फैल कर तालू से मिल जाना। सॉरी तह बतह होना, लफ्ज का हैवी होना, मोटा होना। हरूफे मुतबक्का 4 हैं, यानी इत्तबाक सिफ्त का नाम है, सिफ्ते इत्तबाक। जब हरूफ की तरफ आते हैं तो हरूफे मुतबक्का हो जाएंगे, वो 4 हैं, सौद, वाद, पा, वा। अब देखें कि सौद, वाद, पा, वा, आपने ये पढ़े थे लेटर्स हरूफे मुस्तालिया में, फुल माउथ लेटर्स में, और इनमें हरूफ मुतबक्का भी क्वालिटी पाई जा रही है। इसमें दो क्वालिटीज पाई जा रही है, एक तो है बोल्ड लेटर्स हरूफ मुस्तालिया और दूसरा हरूफ मुतबक्का। जुबान तालू से मिलती है, इसकी अदायगी करते वक्त क्या होगा, जुबान तालू से मिलती है और ये हरूफ और ज्यादा पड़े पुर पड़े जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी पड़े जाते हैं। द टंग मीट्स द पैलेट एंड दीज लेटर्स आर रीड ऑन, यानी हैवी फुल माउथ। लाइक आप पढ़ते हैं स्वाद को, स्वा। अब देखें कि दोनों आपकी जो जुबान है, इन चारों लेटर्स को प्रोनाउंस करते हुए आपकी जुबान बिल्कुल ऊपर एक राउंड सा बन जाएगा, यानी आवाज का इन्हिसार जुबान और तालू के दरमियान होता है, ठीक है। इसका यानी द डिपेंडेंस ऑफ साउंड बिटवीन द टंग एंड द पैलेट, इन्हिसार क्या है कि आवाज का इन्हिसार, उसका मुहासरा, उसका इर्द गिर्द होना, वो क्या है कि तालू के दरमियान होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं सिफ्ते इस्तेला, सिफ्ते तबाक, दोनों जब मिलाते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाती है, बहुत मोटी पड़ी जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं सौ, 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 सी, 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 इसको सी पढ़ेंगे तो वो लाइट हो जाएगा, सौ। अब देखिए जुबान ऊपर, आप पूरा अपर पैलेट को आप देखें तो उसके साथ बिल्कुल टच हो रही है, सौ, सौ, जुबान आपकी ऐसे क्लोज हो रही है, जैसे स्पून बन जाता है ना, स्पून, स्पून का जो आगे वाला हिस्सा होता है, वैसे आपकी जुबान ऊपर जाएगी, सौ, सुई, सु, सौ, सुई, सु। आगे है, यानी इसको बहुत हैवी पढ़ा जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं सोल, सोलिन, सोल, सोलिन, अब मेरे साथ प्रोनाउंस करें और फील करें आप, आपकी टंग जो है वो एक जैसे स्पून होता है ऐसे बन रही होगी, यानी आपकी जुबान अपर पैलेट के साथ जाके तो वो उसके इर्द गिर्द घूम रही होगी, सोल, सोलिन, सो, सो, सोल, सोल, सोलिन, सोल, सोलिन। अब जैसे सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल। अब देखें कि नेक्स्ट लेटर जो है वो क्या है, दाद। जैसे आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं वलद्दालीन, वलद्दा, दो, ठीक है। लेट नेक्स्ट है वा, वा को आप कैसे पढ़ते हैं, वालिमीन, वा, वालिमीन, वा। अब देखें कि आप सोचेंगे कि बाकी जो लेटर हैं
यानी हरूफ मुस्ताल या में बाकी जो रेस्ट लेटर इन चार के अलावा यानी काफ है, खा है, गैन है, वो भी तो हैवी है लेकिन वो इसमें शामिल क्यों नहीं है। अब देखें कि खा का जो मखरज है वो है थ्रॉट, हरूफ हल्किया, हलक से आता है खा, क्योंकि खा जुबान से नहीं आता इसलिए इसका ताल्लुक जुबान की जड़ से नहीं है। खा आपने जब पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है, तो वो थ्रॉट से करना है, जैसा वो कहते हैं खा खालिदीन खालिदीन, इसका ताल्लुक जुबान से नहीं है। इसी तरह गा जो है गईन गा, ये भी थ्रॉट से आता है, अपर ऑफ थ्रॉट, ठीक है, जुबान का जो सॉरी गले का जो ऊपर वाला हिस्सा है, खा और गा दोनों गईन और खा वहां से आते हैं। इसी तरह काफ जो है वो भी गले की साइड से, जो आपका यूवला है वहां से आता है, उसका ताल्लुक भी जुबान से नहीं है। इसलिए ये फोर लेटर्स जो है ये फोर जुबान के साथ ताल्लुक है, इसलिए यहाँ पे फोर लेटर्स मेंशन किए गए हैं। ये सिर्फ इतबाग इन्हीं फोर लेटर्स में पाई जाती है, यानी हैवी तो ऑलरेडी है लेकिन ये बाकी चारों से भी ज्यादा हैवी है। अस्सिरातल अस्सिरातल मुस्तकीम अस्सिरातल मुस्तकीम। अब देखिए की का भी मोटा है लेकिन उतना मोटा नहीं है जितना सिरातल है। अगर आप फील कर रहे होंगे अस्सिरातल, अब देखिए मुस्तकीम हैवी है बट नॉट एज यू नो का और सौद और दौद और यू नो इनके जितना मोटा नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसका ऑपोजिट क्या है, इसकी जिद क्या है, वो है इनफिताह।